मेरा होटल था, लॉकडाउन में बंद हो गया। तो मतलब कि उसके बाद तो काफी प्रॉब्लम, काफी दिक्कत आया होगा आपको। बहुत दिक्कत आया। आपको क्या लगता है, उम्मीद क्या है हमारे वीडियो से? देखिए, अब बनाने के बाद सेल बढ़ेगा तो अच्छा होगा। एक चिकन का काफी बड़ा पीस है, ये देखो आप, चिकन का पीस चेक करो, ये देखो। तो आज जो है हम आपको एक ऐसे शख्स के पास लेके आए हैं, एक ऐसे व्यक्ति के पास लेके आए हैं जिनको जो है ना कोरोना और लॉकडाउन ने बर्बाद कर दिया था, और अभी वो जो है रोड पे आ चुके हैं। बट सबसे अच्छी बात मेरे को क्या लगी कि उन्होंने जो है अपना हिम्मत नहीं हारा, अपने को टूटने नहीं दिया, फिर से जो है उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बिल्कुल नए वीडियो में। तो आज हम जिस जगह पे आए हैं, ये जो जगह है आपका, ये है कोकर का एरिया, और इस जगह का जो है एग्जैक्ट गूगल मैप का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि जिस पे आप क्लिक करके बहुत ही आसानी से इस जगह पे आप पहुंच सकते हो। तो आज जो है हम इसी जगह को कवर करने के लिए आए हुए हैं, इस जगह के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं किस तरह का क्या सेटअप है, किस तरह से जो है चिकन वगैरह यहाँ पे बनाया जाता है। तो गाइस, इस साइड जो है अपना चिकन बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो इस साइड में जो है अपना सरसों का तेल भी डाल दिया गया, और साथ ही साथ उसमें जो है सूखा मिर्ची फोरन के तौर पे डाल दिया गया, और यहाँ पे जो है सूखी मिर्ची के बाद डाल दिया गया आपका तेज पत्ता। तो यहाँ पे गाइस चेक करो, हमारा जो है फोरन जो डाला गया था वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है लाल हो चुका है। अब इसमें डाला जाना है कटा हुआ प्याज। तो ये देखो, यहाँ पे अब कटा हुआ प्याज भी अपना डल चुका है। तो कटा हुआ प्याज और उसके ठीक बाद जो है यहाँ पे नमक डाल दिया जा रहा है, ताकि प्याज जो है अच्छे तरीके से गल भी जाए। तो यहाँ पे जो है नमक डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिला दिया गया, और अभी क्या करेंगे इसको, अभी और ऐसे ही भुनाएगा? हाँ, अभी भुनाएगा, अभी गलेगा। अच्छा, उसके बाद चिकन डालेंगे। अच्छा, मसाला डालेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है ढक्कन तो लग चुका है उसके ऊपर। और सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, आपका नाम क्या हुआ एक बार वो बताइए। ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह, और कब से जो है आप यहाँ पे अपना लगा रहे थे? 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया। तो सबसे इसके पहले क्या करते थे आप? मेरा होटल था, लॉकडाउन में बंद हो गया। अच्छा, होटल था आपका, कहाँ पे था ये होटल? हुंडई के बगल में। हुंडई? अच्छा, ये हुंडई सुरेंद्रनाथ स्कूल के पास। हाँ। अच्छा, तो बंद कराया गया वो कोरोना के टाइम पे ही क्या? हाँ। तो मतलब कि उसके बाद तो काफी प्रॉब्लम, काफी दिक्कत आया होगा आपको? बहुत दिक्कत आया। तो उसके बाद जो है आपने डिसाइड किया इस ठेले को चालू करने का? हाँ। तो जो आप होटल था उसमें क्या सब कुछ खाने का बेचते थे? सब कुछ। अच्छा, भोजन से लेकर नाश्ता सब? नाश्ता, भोजन, चाइनीज सब कुछ बनाते थे। अच्छा, सब बनाते थे खुद ही? नहीं, 5 बजे स्टाफ था तो। अच्छा, 5 स्टाफ भी रखे हुए थे? तो मतलब कि जैसे आप उतना बड़ा होटल चलाते थे, 5 स्टाफ आपके पास खटता था, और आज के डेट में जो है कोरोना का मार, लॉकडाउन जो भी बोल लीजिए, अभी जो है ठेला चला रहे हैं, तो मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? क्योंकि इतना अच्छा जिसका काम चलते रहता है, हट जाए तो आदमी टूट जाता है अंदर से। मेरे पास पूंजी नहीं था। अच्छा, और खुद का कारीगर हूँ। अच्छा, तो मान लेते हैं कहीं नौकरी करने जाएंगे, कितना मिलेगा? 10,000-12,000 मिलेगा। बिल्कुल, उससे अच्छा है कि अपना एगो ठेला खरीद लिए। अच्छा, खरीद के अपना लिट्टी चोखा, लिट्टी मुर्गा, घी लिट्टी, यही सब चलाते हैं। जितना कस्टमर खाते हैं सब। अच्छा, बहुत खुश रहते हैं। अच्छा, मतलब कस्टमर का फीडबैक आपके पास बढ़िया आता है इसको? हाँ, इसको लेके है ना। तो यहाँ पे आप ये चेक करो, प्याज का कलर वगैरह चेंज हो गया, और प्याज जो है हल्का गलना स्टार्ट भी हो चुका है। और इस साइड पे जो है अपना कुछ कुछ मसाला वगैरह है जो ओखल में कूच के लाया गया, और अभी इसमें डाला जाएगा। तो क्या क्या है इसमें डाले हैं? इसमें है लहसुन है, मिर्चा है, अदरक है। अच्छा, गरम मसाला है, जीरा गोल की है। अच्छा, तो मतलब गोटा जो है सारा कुछ लगता है इसी में डाल दिए है ना। ओके, तो पाउडर वगैरह का भी यूज करना है कि? हाँ, करना है। अच्छा, क्या बोलते हैं, मर्चा, मिक्स, हल्दी। अच्छा, ये सब पड़ेगा अभी है ना? गरम मसाला। हाँ। ओके, तो बनाने का जो प्रोसेस है आपका बिल्कुल एकदम देसी तरीका से है ना? हाँ, घर का जैसा। हाँ, घर का जैसा। और इसमें जो है अपना ओखल में कुचा हुआ जो भी मसाला डाला गया था ना, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया गया, और अब जो है इसमें बारी आ चुका है चिकन डालने का। तो ये चेक करो, चिकन वगैरह इसमें अभी डाला जा रहा है, और चिकन का जो साइज है काफी अच्छा, मतलब कि आप बड़ा साइज का ही चिकन बोल सकते हो, लेग पीस वगैरह भी सारा कुछ जो है आपको इसमें अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो है अभी हल्दी का पाउडर डाल दिया जा रहा है, मतलब कि मुर्गा डाले और संग संग फिर मसाला है ना। हाँ। हल्दी डालने के बाद ये क्या डाल रहे हैं? मिर्चा का पाउडर है ना? पाउडर नॉर्मल की कश्मीरी है? नहीं, नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल है। कलर काफी अच्छा दिख रहा है, पर लाल लाल पूरा।
तो मिर्चा का पाउडर डालने के बाद जो है मिक्स का मसाला डाल रहे हैं ना। अब क्या डाल रहे हैं, ये क्या है आपका? चिकन मसाला है। चिकन मसाला, अच्छा थोड़ा सा दिखाइएगा तो कौन सा कंपनी का यूज कर रहे हैं आप? वैसे नया नया पैकेट दिख रहा है, अरे वाह, मतलब कि सारा चीज जो है क्वालिटी का यूज करते हैं, है ना। चिकन मसाला आपका जो है टाटा का डाल दिया गया, मीट मसाला। ये आपका मीट मसाला, अच्छा मतलब चिकन में जो है चिकन मसाला भी डालते हैं और मीट मसाला दोनों यूज करते हैं नहीं? तो ये चेक करो गाइस, मतलब मसालों का जो है काफी अच्छे तरीके से इसमें यूज किया जा रहा है, सारा मसाला काफी अच्छे तरीके से डाला गया है। और अभी जो है इसमें हल्का सा पानी डाला गया है और पानी डालने के बाद इसको जो है काफी अच्छे तरीके से मिलाया जा रहा है। तो अब जो है फाइनली इसमें प्याज डाला जा रहा है, प्याज का पेस्ट। तो लगभग 2 किलो मुर्गा में कितना प्याज यूज हो जाता होगा? हम ग्रेवी के लिए 1 किलो यूज करते हैं। अच्छा 1 किलो प्याज मतलब यूज कर लेते हैं नहीं? प्याज अगर मांगता है ना तनिया तरी दो, तरी दो। अच्छा ग्रेवी जो है रिपीट मांगता है खाने में, वो तो सही है, मांगेगा ही भाई। तो गई जी यहाँ पे जो है ना अभी एक बार फिर से अब पानी डाला जा रहा है फाइनल, जो कि चिकन का ग्रेवी बनेगा। तो ये चेक करो यहाँ पे जो है अभी पानी डाल दिया गया है, तो अभी जो है काफी अच्छे तरीके से इसको पकाया जाएगा, पूरा जो है अपना चिकन वगैरह सीझ जाएगा, उसके बाद जो है हमारा चिकन रेडी। तो दिखाते हैं हम आपको चिकन रेडी होने के बाद। तो गाइस जैसा कि अभी सुबह का टाइम है तो अभी सब कुछ बन के जस्ट रेडी हो चुका है और यहाँ पे एक भैया जो है ब्रेकफास्ट करने के लिए आ चुके हैं। तो सबसे पहले भैया आपका स्वागत हमारे चैनल पे, क्या नाम है आपका? अमन सिंह। और कहाँ के आप रहने वाले हैं? कोकर चुन्ना भट्टा रांची। अच्छा तो यहाँ पे लिट्टी चोखा फर्स्ट टाइम खा रहे हैं कि पहले भी आप खा चुके हैं? यहाँ का हम परमानेंट कस्टमर है। अच्छा परमानेंट कस्टमर है, और आज का पहला कस्टमर भी आती है ना, कैसा स्वाद वगैरह लगता है आपको यहाँ? बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। तो मतलब कि लिट्टी चोखा अभी खा रहे हैं, चिकन लिट्टी भी ट्राई किए हैं इनका? आज मंगलवार है ना। अच्छा आज मंगलवार है बोल के आप नहीं खा? हम चिकन लिट्टी ही खाते हैं। अच्छा चिकन लिट्टी ही खाते हैं, चलिए बढ़िया। तो चिकन लिट्टी का भी स्वाद आपको बढ़िया लगता है? एक नंबर। चलिए यहाँ का भैया का जो है जेन्युइन फीडबैक मिल चुका है, थैंक यू भैया फीडबैक देने के लिए। तो गाइस फाइनली जो है अपना चिकन बन के रेडी हो चुका है, और ये चेक करो आप चिकन का रंगत, काफी बढ़िया सा कलर आया है, और उसके ऊपर जो है गार्निशिंग के तौर पे जो है ना धनिया पत्ता काट के बारीक डाला हुआ है। तो एक बार जो है चिकन थोड़ा चला के दिखाइए तो किस तरह का क्या ग्रेवी वगैरह रखा गया है, ये चेक करो आप। पीस जो है ना काफी सच में शानदार सा पीस है, और साइज भी जो है चिकन का एकदम बढ़िया सा है। थोड़ा लेग पीस वगैरह उठाइए कैमरा में, हो सके तो आपको थोड़ा उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा पीस, बट आप जब फिजिकली आके देखोगे ना तो सच में काफ़ी बड़ा सा पीस है। और ग्रेवी भी जो है समझो अभी तो जस्ट बन के उतरा है, जैसे ही थोड़ा सा और ठंडा होगा ना तो ग्रेवी जो है पूरा एकदम गाढ़ा हो जाना है, खुशबू बहुत ही जानदार सा इसका आ रहा है। तो क्या रेट वगैरह लेते हैं लिट्टी वगैरह खाने का? 2 लिट्टी 1 पीस चिकन 60 रुपया लेते हैं, 60 रुपया खाली चिकन 40 रुपया लेते हैं, ठीक है, और लिट्टी चोखा 20 रुपया लेते हैं। अच्छा तो और 2 लिट्टी 50 रुपया, 2 लिट्टी 50 रुपया, तो उस समय है 2 2 पीस लिट्टी आता है ना। चलिए बढ़िया, तो रेट भी जो है गाइज काफी जेन्युइन सा रेट है। लगवाते हैं अपना लिट्टी और चिकन, करते हैं टेस्ट और आपको बताते हैं कि कैसा बना है यहाँ का लिट्टी और चिकन। तो अभी जो है अपना चिकन और लिट्टी लगना स्टार्ट हो चुका है, तो ये चेक करो यहाँ पे जो है लिट्टी को इस तरह से जो है क्रश कर दिया जा रहा है, ये देखा पूरा गर्मा गर्म लिट्टी और उससे निकलता हुआ गर्मा गर्म भाप। यहाँ पे 2 पीस अपना लिट्टी आ गया है, और ये चेक करो यहाँ पे जो है ना काफ़ी शानदार सा और काफ़ी बड़ा साइज का अपने को एक चिकन का पीस भी मिल चुका है, ये गया उसके ऊपर ग्रेवी। तो ये अपना रेडी हो गया, ओके। तो गाइस फाइनली जो है अपना लिट्टी और मुर्गा यहाँ पे लग चुका है, और ये देखो काफ़ी सुंदर सा जो है सजा के पेपर के प्लेट में दिया गया है, जिसमें आपको 2 पीस लिट्टी मिल रहे हैं, एक चिकन का काफ़ी बड़ा पीस है, ये देखो आप चिकन का पीस चेक करो, ये देखो काफ़ी बड़ा और शानदार सा पीस है, और ये मिला है मेरे को विंग्स वाला। तो अभी जो है फटाफट ट्राई करते हैं, देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। तो अपना स्टार्ट करेंगे लिट्टी के साथ, लिट्टी जो है इधर पे भी तोड़ के अपना दिया गया था, ये देखो पूरा ग्रेवी जो है ना अपना लिट्टी पूरा चूस चुका है, सूख चुका है। तो ये रहा हमारा पहला बाइट, जानदार बढ़िया बना है। अभी तो जो है हमने हल्के ग्रेवी के साथ टेस्ट किया था, सत्तू का जो फ्लेवर है ना काफ़ी अच्छे तरीके से आया, साफ साफ इसमें पता चल रहा है कि मंगरेला डाला हुआ है, गुलकी खड़ा कूच के डाला हुआ है, सरसों तेल का भी फ्लेवर है इसमें, और खटास जो यूज किया गया है वो है नींबू का, तो नींबू का खटास भी पता चल रहा है। लिट्टी काफ़ी बढ़िया तरीके से बना हुआ, और प्लस लिट्टी में ना
जो फिलिंग होता है अंदर मटेरियल, वो भी देखो काफ़ी अच्छे तरीके से भरा हुआ भी है। और अब जो है इसको चिकन के साथ एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो है चिकन का टुकड़ा लिया हमने, हल्का ग्रेवी उठाते हैं और नेक्स्ट लेवल कॉम्बिनेशन, बहुत तगड़ा, बहुत जानदार, काफ़ी अच्छा लगा खा के। और रेट जो है ना 60 रुपये, मात्र 60 रुपये में आपको काफ़ी बढ़िया सा डील मिल रहा है। और ये जो है ना वर्थ है इस चीज़ का यहाँ पे। और ग्रेवी वगैरह अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसका आपको कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। बहुत बढ़िया। सो गाइस फाइनली जो है हमने यहाँ पे लिट्टी और मुर्गे का जायका लिया, और सच्ची बताऊँ आपको बहुत ही बढ़िया और ऑथेंटिक, बिल्कुल जो है देसी वाला टेस्ट मेरे को यहाँ पे मिला लिट्टी और मुर्गा का, खा के मज़ा आया। आप लोग भी जो है यहाँ पे आके एक बार ज़रूर ट्राई करना यहाँ का लिट्टी और मुर्गा, आपको वाकई में मज़ा सा आ जाएगा। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगे तो करना क्या, सिंपली वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, क्योंकि हम अपने चैनल पे खाने पीने से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोज़ वगैरह लाते रहते हैं। मिलते हैं कल कुछ कहीं और नया लेके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।